अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जहाँ एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने से मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं, वही अतराफ की रियासतों में मुसलमानों को लेकर नफरत का तूफान उमड़ता देखा जा रहा है। कर्नाटक की कामयाबी ये महज मुसलमानों की नहीं है बल्कि तमाम सेक्युलर सोच और फिक्र रखने वालों की है। क्यों हिंदुत्व तंजीमें बौखला गई हैं? क्या वाकई कहीं तो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब जो इन्होंने देखा था मुकम्मल होने का डर महसूस हो रहा है? तो फिर क्या बात है कि सेक्युलरिज्म की रूह को बार बार इस तरह कुचलने की कोशिश की जाती रही है? ताज्जुब तो हमेशा की तरह यह होता है कि नफरत गिरोह मुस्तकिल जहर उगलते हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। सरे राह किस समाज को लेकर गालियां बगी जाती है और पुलिस नजरअंदाज करती है, और यही नजारा बार बार देखने को मिलता है। लिहाजा आज बेलगाम के पड़ोस में कोल्हापुर में पूरे दिन तनाव का माहौल रहा। हालांकि ये कुछ दिन पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोल्हापुर की अपनी अलग तारीख रही है। शाह महाराज का शहर के तौर पर याद किया जाता है। मजहब इत्तेहाद के साथ भाईचारे का पैगाम देने वाले शहर के तौर पर कोल्हापुर को हमेशा याद किया गया है। और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता यही फिरका परस्तों की मुश्किल है। हर बार हिंदू मुस्लिम फसाद को बर्पा करने की कोशिश की जाती है और हर बार नाकाम होते दिखाई देते हैं। कोल्हापुर के मुस्लिम जमातों की जानिब से इसी तशद्दुद के पस मंजर में एक पर्चा निकाला गया, जिसमें पुलिस महकमा और आला अफसरान से गुजारिश करते हुए कहा कि कोल्हापुर राजा शिव छत्रपति और राजा श्री शाह महाराज के उसूलों पर चलने वाला शहर है। तभी तो इसे अमन का शहर कहा जाता रहा है। मुस्लिम समाज किसी भी मजहब के खिलाफ किसी तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करता और ना ही हिमायत करता है। शिवाजी महाराज ही वो राजा थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ इंसाफ पसंद हुकूमत स्वराज का कयाम अमल में लाया था। यह ऐसी हुकूमत थी जिसने 12 बलुतेदार और 18 पगड़ जातियों को इंसाफ दिलाया। कोल्हापुर के भाईचारे को दागदार नहीं होने दिया, ऐसा भी उस तहरीर में दर्ज किया गया। खैर, कोल्हापुर में मजहबी तशद्दुद की वजह क्या रही और इसे कैसे जरिया बनाकर माहौल को आलूदा बनाने की कोशिश कुछ फिरका परस्तों ने की, इसे समझने की जरूरत है। यकीनन मराठी लोगों में शिवाजी महाराज का सबसे ऊंचा मुकाम है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक की तकरीब भी बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई जाती रही। इत्तला के मुताबिक इसी राज्याभिषेक के दिन स्टेटस के तौर पर दो मुस्लिम नौजवानों ने टीपू सुल्तान और औरंगजेब की तस्वीर रखी थी और यही तशद्दुद की वजह बनी, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, टीपू सुल्तान शहीद तो इस मुल्क के पहले मुजाहिद आज़ादी रहे। सिवाय हिंदुत्व तंजीमों या फिर कुछ फिरका परस्तों को छोड़कर किसी भी टीपू शहीद पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीपू सुल्तान की मुखालफत गोया इस मुल्क के तमाम जंग आज़ादी में अपने जानों को निछावर करने वाले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कहा जा सकता है। इसलिए तो आज भी संविधान के शुरुआती पन्नों में टीपू सुल्तान की तस्वीर को शाया किया गया। खैर, अब जब से भाजपा हुकूमत आई है तो गोड से भी महान बनता जा रहा है, लिहाजा इसी को बहाना बनाकर इस्लामीकरण, हिंदुओं का तहफ्फुज वगैरह बयानबाजी करते हुए कुछ नफरती बयान करने वाले बाहर आए और उन्होंने अक्सरियत आवाम को वरगलाना शुरू किया। खास बात यह है कि बांडा सालुंके और सुदर्शन चैनल का नफरती एंकर सुरेश चवानके को खुली छूट दी हुई है, यहाँ वो देखी जा रही है। सुरेश चवानके को शायद अब यही काम रह गया कि उसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए नफरती बयान को पेश किया, जिस पर सामने भीड़ तालियां पीट रही थी। कोई बताए तो सही कि नफरती चिंटुओं का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? जब किसी स्टेटस पर बेकाबू भीड़ किसी की जान ले सकती है तो जान लेने के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इस मुल्क का कानून मजहब देखकर बदल दिया जाता है? खैर, इससे पहले भी विशालगढ़ पर इसी सालुंके ने तोपनुमा हथियार का इस्तेमाल किया था, फिर इन्हें आजाद क्यों छोड़ दिया जा रहा है? अब असल बात की तरफ मुड़ते हैं। मान लिया कि औरंगजेब से नफरत है, औरंगजेब की तस्वीर स्टेटस पर लगाने से आप लोगों के जज्बात मजरूह हो जाते हैं। तब तुम्हारे जज्बे कहां जाते हैं जब भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खुले टीवी के मंच से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के पास माफी मांगी कहा था? तब सभी खामोश क्यों थे? क्योंकि भाजपा प्रवक्ता अगर शिवाजी महाराज पर कुछ कह दे तो माफी, और दूसरे मजहब का रहा तो उस पर कोल्हापुर बंद और मुस्लिम दुकानों घरों पर पथराव, ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी मोहब्बत है? मतलब सियासी मुफाद हासिल करने के लिए इस तरह का तशद्दुद बर्पा किया जाता रहा है। इसी तरह गवर्नर कोश्यारी ने तो शिवाजी महाराज की कहानी अब पुरानी कहा था। क्या उसका महज तबादला करने से मामला खत्म हो गया? इस तरह दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी किसी भी धर्म या राष्ट्र पुरुषों का अपमान करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल तो मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम कुरान के खिलाफ बोलना एक रिवाज बनता जा रहा है। अगर कोई शिवाजी महाराज, अंबेडकर, टीपू सुल्तान पर बोलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन नफरती फिल्में, टीवी सीरियल, 72 हूरों जैसे फिल्में बनाई जा रही, मुसलमानों के नस्ल कशी के बजाय गोधरा में कार सेवकों पर फिल्म बनाई जाए, सिर्फ एक हिंदू लड़की पर केरला स्टोरी बनाई जाती है और उसे सरकारी तौर पर प्रमोट भी किया जाता है, ये तमाम हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं?
लिहाजा इसका नतीजा यही निकलता है कि 2024 की तैयारी में हिंदुत्व तंजीमें लगी हुई है। कर्नाटक में भाजपा को धोबी पछाड़ और बजरंग दल पर पाबंदी की हवा ने तो भाजपा हिंदुत्व ब्रिगेड की हवा निकल गई है। लिहाजा किसी तरह फिर से नफरत की लहर पर सवार होकर इख्तदार तक पहुंचने की कमजोर कोशिश जारी है। कर्नाटक ने सांप्रदायिक ताकतों को बड़ा सबक जरूर सिखाया, तभी तो सुरेश चव्हाण के को महाराष्ट्र में घूम फिर कर नफरत की तबलीग करनी पड़ रही है। आज का अगर जायजा लिया जाए तो इत्तला के मुताबिक हालात काबू में है। पुलिस ने भी वक्त पर चौकन्ना होकर हालात पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की है। शाह महाराज के शहर को नफरती मरकज बनाने की कोशिश जारी है। एक बार फिर कोशिश हुई है, जरूरत है नफरती गिरोह पर कार्रवाई हो। पहले ही अवाम महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, अक्सरियत अवाम को समझने की जरूरत है। आज के इस फसाद में नई बातें भी महसूस की गई है और ये यकीनन बड़ी सोचने की है कि नौजवान नस्ल यानी कि कमसीन उम्र के इसमें ज्यादा शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। 17-18 साल के नौजवान पेश पेश दिखाई दे रहे हैं, आखिर इनका मुस्तकबिल क्या? और ये यही नफरती गिरोह की खुराक है। खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो विदेश भेजेंगे और आवाम को भड़का कर जेल में या फिर मुकदमों के जरिए इनके जिंदगियों का दाव पर लगाएंगे। खैर, कोल्हापुर में जो हुआ ठीक नहीं हुआ। आवाम को फैसला लेना होगा कि क्या किसी नफरत घृणा खून खराबे में बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मुसलमान भी थे, शिवाजी महाराज को मुस्लिम मुखालिफ पेश करने की कोशिश बारहा की जा चुकी है, जबकि सभी मजाहिब की इज्जत करने वाले बादशाह के तौर पर जाना जाता है। ये कैसी सोच फिक्र बनती जा रही है? क्या किसी फ्रूट वाले को महज मुसलमान होने की बुनियाद पर मारने से मसला हल हो सकता है? गरीब फिर किसी भी मजहब का हो, दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता है। गरीबी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी जरूरत बहुत छोटी रहती है। रोटी कपड़ा और मकान के इर्द गिर्द इसकी जिंदगी घूमती रहती है। फसाद के पीछे साजिश होती है और गरीब को इसका इल्म नहीं होता। पहलू, रकबर, जुनैद इसी साजिश के बली हुए हैं। कोल्हापुर की आवाम आज भी अमन पसंद है, पर जरूरत है नफरती गिरोह को समझने की, फिर चाहे किसी भी मजहब का हो। और मुल्क, रियासत, शहर अमन भाईचारे में ही तरक्की कर सकता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।